नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से वाईफाई स्टडी बैंक एग्जाम चैनल पर। मैं अंकित गुप्ता करता हूं आप सभी का स्वागत। जितने भी स्टूडेंट यहां पर जुड़ चुके हैं उन सभी को यहां पर गुड मॉर्निंग, सुबह के साथ यहां पर बज चुके हैं और मैं आप सभी के साथ यहां पर जुड़ चुका हूं। वर्तमान समय में मैं अभी प्रेजेंट टाइम पर अपने होम टाउन पर हूं, जिसकी वजह से आपको सभी क्लासेस प्रीमियर के माध्यम से यहां पर मैं प्रोवाइड कर पा रहा हूं बिकॉज ऑफ सम इंटरनेट इश्यू। लेकिन जल्द ही विद इन 1-2 डेज हम लोग यहाँ पर लाइव क्लासेस यहाँ पर आप सभी के साथ ज्वाइन करेंगे। उम्मीद है उस क्लास को आप लोग वहां पर फिर उसी तरह से प्यार देंगे, उसी तरह से एंजॉय करेंगे। तब तक आप अपनी करंट अफेयर्स को अपडेट रखने के लिए इन वीडियोस के साथ आप लोग यहाँ पर जुड़े रहें। अनअकैडमी पर आप मुझे सर्च कर सकते हैं अंकित गुप्ता के नाम से, और जैसे ही आप अंकित गुप्ता वहां पर सर्च करेंगे एजुकेटर्स में, आपको वहां पर मेरा जो प्रोफाइल है वो मिल जाएगा। प्रोफाइल को फॉलो कर लीजिएगा। फॉलो करने का आप सभी को फायदा यहाँ पर ये होने वाला है कि फॉलो करने के बाद आप सभी को मेरी क्लासेस की जो वीडियोस हैं वो सभी आपको ऑटोमेटिकली ही, या उसका जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच जाएगा। आपको परेशानी की यहाँ पर दिक्कत नहीं होगी, कोई भी किसी भी तरह की परेशानी आपको वहां पर देखने को नहीं मिलेगी। अनअकैडमी पर कोई भी सब्सक्रिप्शन परचेस करने के लिए आप टारगेट 10 कोड का इस्तेमाल यहाँ पर कर सकते हैं। टारगेट 10 कोड लगाने पर 10% ऑफ ये तो आपको मिलेगा ही अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शंस पर, और उसके अलावा भी आपको यहाँ पर जितने भी अलग अलग तरह के सब्सक्रिप्शन होते हैं, जितने भी आपके स्ट्रीम है, जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, जितने भी आपके अलग अलग एग्जाम्स की प्रिपरेशन है, उसके लिए आप लोग टारगेट 10 कोड का यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। और जल्द ही आपको स्पेशल क्लासेस जो कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती थी अनअकैडमी पर, वो भी यहाँ पर प्रोवाइड होने लगेंगी। पीडीएफ वगैरह के लिए आपको ज्वाइन करना होगा टेलीग्राम चैनल जिसका नाम बनता है अंकित गुप्ता जी के। 5400 के आसपास विद्यार्थी मेरे साथ यहाँ पर भी जुड़े हुए हैं, तो इस क्लास को भी यहाँ पर इस टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना यहाँ पर मत भूलिएगा पीडीएफ और दूसरे स्टडी मटेरियल्स के लिए। शाम 4 बजे प्रतिदिन एसएससी सीजीएल को टारगेट करते हुए जीएस की क्लास आपकी लाइव होती है, इस क्लास का भी आनंद उठाएं। चलिए अब बिना किसी देरी के सबसे पहले यहाँ पर शुरुआत करेंगे रिविजन से। जी हाँ, रिविजन से यहाँ पर शुरुआत करेंगे। रिविजन में क्या क्या चीजें हैं वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पर देखेंगे, जो कि लास्ट क्लास का रिविजन है, और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ चलेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन जो कि लास्ट क्लास से ही आपका लिया गया है, रिविजन में देखते हैं आप सभी को कितना याद है और कितना भूल गए। सबसे पहला क्वेश्चन, भारत का कौन सा राज्य 3 राजधानियों के लिए बिल पारित करने वाला भारत का पहला राज्य यहां पर बन गया है? विच इंडियन स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट इन इंडिया टू पास द बिल्स फॉर हैविंग 3 कैपिटल्स ऑफ द स्टेट, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश और उत्तराखंड? सब फटाफट से यहां पर बताएगा करेक्ट आंसर, आंध्र प्रदेश बनता है। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर का नाम बनता है YS जगनमोहन रेड्डी, और यहाँ के गवर्नर का नाम अब आप लोग फटाफट से मुझे यहाँ पर टाइप करके बता दीजिएगा। वैसे ही अपडेशन मैंने आपको पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियां अब आपकी यहाँ पर हो चुकी है। एक तो आपकी अमरावती, दूसरी आपकी कुरनूल, और तीसरी आपकी बनती है विशाखापत्तनम। इन तीनों राजधानियों के नाम भी आपको याद रखने हैं। अमरावती जो आपकी राजधानी बनाई गई है, ये किस नदी के किनारे मौजूद है? फटाफट से उस नदी का नाम भी मुझे यहाँ पर लिखकर बता दीजिएगा। आंध्र प्रदेश के बारे में ये भी याद रखिएगा कि भारत का यह सेकेंड स्टेट बनता है, सेकेंड लॉन्गेस्ट जो आपकी कोस्ट लाइन बनती है, समुद्र तट रेखा बनती है, वो आंध्र प्रदेश स्टेट की बनती है, याद रखिएगा। आंध्र प्रदेश में 3 राजधानियों वाला कॉन्सेप्ट साउथ अफ्रीका से आपका लिया गया है। साउथ अफ्रीका जो कि आपकी एक अफ्रीकन कंट्री आपकी बनती है, साउथ अफ्रीका में भी 3 राजधानियां हैं। कौन कौन सी सर? प्रिटोरिया है, ब्लूमफोंटेन बनती है, और केप टाउन आपकी यहां पर बनती है। कैपिटल के अलावा करेंसी की मैं अगर बात करता हूं तो साउथ अफ्रीका की करेंसी का नाम रेंड बनता है, RAND। प्रिटोरिया यहाँ की एग्जीक्यूटिव या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है। ब्लूमफोंटेन की बात करते हैं तो ये यहाँ की न्यायिक जो राजधानी है वो यहाँ पर बनती है। हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द कंट्री इज प्रेजेंट, यानी कि यहाँ पर इस देश का सुप्रीम कोर्ट मौजूद है। केपटाउन की बात करते हैं तो लेजिस्लेटिव जो आपकी कैपिटल बनती है वो केपटाउन बनती है, जहां पर इस कंट्री के जो आपके पार्लियामेंट है या जो अभी आपके लोअर हाउस अपर हाउस है वो आपके यहाँ पर मौजूद है। तो इसी कॉन्सेप्ट की तर्ज पर आंध्र प्रदेश राज्य में भी 3 राजधानी वाला कॉन्सेप्ट रखा गया है। अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना स्टेट की, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना स्टेट का फाउंडेशन डे आपका कब बनता है, तो तारीख आपको याद रखना है 2 जून, ये इंपॉर्टेंट डेट बनती है। तारीख के साथ साथ ईयर आपका बनता है 2014। आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना भारत का 29वां राज्य 2014 में आपका बना था। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ अमर सिंह जी का 64 वर्ष की आयु में आपका निधन हो गया, वह राज्यसभा के किस राज्य से राज्यसभा के सदस्य थे? उस राज्य का नाम आपको यहाँ पर लिखकर बताना। रियन पॉलिटिशियन
अमर सिंह हैज पास्ड अवे एट द एज ऑफ 64। ही वाज द मेंबर ऑफ द राज्यसभा फ्रॉम विच स्टेट। करेक्ट आंसर यहां पर बनता है यूपी। यूपी की बात करते हैं तो आज 5 अगस्त का दिन है। 5 अगस्त के दिन पर याद रखिएगा क्या स्पेशल है, एक साल यहां पर कंप्लीट होता है आर्टिकल 370 को जो हटाया गया उसका एक साल यहां पर पूरा हो जाता है। आज राम जन्मभूमि पर राम मंदिर का शिलान्यास भी यहां पर, उसका निर्माण का शिलान्यास भी यहां पर मोदी जी के द्वारा किया जाएगा। इस दिन के लिए भी ये दिन आपका यहां पर खास आपका बनता है। यूपी के जो वर्तमान चीफ मिनिस्टर बनते हैं उनका नाम बनता है योगी आदित्यनाथ, इंपॉर्टेंट बनेगा। और आनंदी बेन पटेल आपकी क्या बनती है, यहाँ की गवर्नर बनती है। लालजी टंडन जी की मृत्यु के बाद आनंदी बेन पटेल, वैसे उनको उससे पहले ही आनंदी बेन पटेल को उससे पहले ही आपका मध्य प्रदेश राज्य के गवर्नर का जो कार्यभार है वो आपका सौंप दिया गया था। अगला प्रश्न, भारतीय खेल स्टार रजत भाटिया ने हाल ही में किस खेल से अपने सेना निवृत्ति की घोषणा यहाँ पर की है, मतलब कि रजत भाटिया ने हाल ही में जो रिटायरमेंट लिया है किस पर्टिकुलर खेल यानी कि स्पोर्ट्स से यहाँ पर लिया है, फुटबॉल, टेनिस, क्रिकेट या फिर हॉकी। करेक्ट आंसर यहाँ पर बनता है क्रिकेट। याद रखिएगा आईपीएल काफी लंबे समय तक ये खेलते रहे और जब कोलकाता नाइट राइडर्स ने आईपीएल का खिताब जीता था तो उस टीम का भी हिस्सा रजत भाटिया साहब आपके रहे थे। कल की क्लास में मैंने आपको क्रिकेट को याद रखने की जो ट्रिक है वो भी आप सभी को डिस्कस की थी। जिन भी स्टूडेंट्स को अगर क्रिकेट गेम को याद रखने की ट्रिक नहीं पता है तो कल की करंट अफेयर्स के वीडियो को वॉच जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार की वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में अब तक कुल कितने राज्यों को एकीकृत किया गया है। लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के हिसाब से वन नेशन वन राशन कार्ड जिसके तहत अगर किसी भी राज्य का कोई व्यक्ति और उसके पास उस राज्य का राशन कार्ड आपका यहां पर बनता है तो ऐसी कंडीशन में वो भारत के अगर किसी दूसरे राज्य में आपका मूव करता है या वहां पर व्यापार के लिए, काम के लिए या फिर मजदूरी के लिए जाता है, प्रवास करता है तो ऐसी कंडीशन में वही राशन कार्ड उस राज्य में भी आपका लागू होगा। यानी कि एक राशन कार्ड अब आपका पूरे देश में लागू होगा। वन नेशन वन राशन कार्ड प्लान फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट टिल डेट, यहाँ पर 24 स्टेट्स इसमें इंटीग्रेट आपके किए जा चुके हैं, इसका इंटीग्रेशन लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, mpay.me किस कंपनी के द्वारा शुरू की गई एक व्यक्तिगत यूपीआई संचालित भुगतान लिंक सेवा आपकी यहां पर बनती है। mpay.me पहली चीज को ये कि यूपीआई पावर्ड पेमेंट लिंक सर्विस है। यूपीआई का फुल फॉर्म यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस आपका बनता है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको यहां पर याद रखना है। और इस कंपनी की अगर मैं यहाँ पर बात करता हूं तो किस कंपनी ने इसकी जो संचालन की जो सेवा लिंक है वो आपकी यहाँ पर शुरू की है तो यहाँ पर फोन पे है, फ्रीचार्ज है, पेटीएम है और मोबी क्विक है। करेक्ट आंसर यहाँ पर बनता है ऑप्शन नंबर डी यानी कि मोबी क्विक, ऑप्शन नंबर डी हियर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रेलवे और किस बैंक ने हाल ही में रुपे प्लेटफॉर्म पर एक संपर्क रहित क्रेडिट कार्ड आपका लॉन्च किया है, यानी कि कॉन्टेक्ट लेस क्रेडिट कार्ड अभी आपका हाल ही में लॉन्च किया गया है। इंडियन रेलवे के द्वारा किस बैंक के साथ यहां पर टाई अप किया गया है, बैंक का नाम बनता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दिस इज द लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक इन इंडिया, ये आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बनता है। भारत में सबसे ज्यादा एटीएम नेटवर्क रखने वाला बैंक तो आपका बनता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसके चेयरपर्सन बनते हैं रजनीश कुमार साहब, ये भी याद रखिएगा। अगर हमसे पूछा जाएगा एग्जाम में सर SBI फाउंडेशन डे, SBI का स्थापना दिवस, तो आपको तारीख याद रखनी है 1 जुलाई SBI फाउंडेशन डे। 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नेशनलाइजेशन करके, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नेशनलाइजेशन करके उसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपका नाम दिया गया था, ये भी आप लोग याद रखेंगे। जिन भी बैंकों के लास्ट में ऑफ इंडिया शब्द का इस्तेमाल है उन सभी के हेडक्वार्टर आपके मुंबई में बनते हैं, केवल यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया को छोड़कर, क्योंकि यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर आपका कोलकाता में मौजूद है। इंडियन ओवरसीज बैंक की बात करता हूं तो इसका हेडक्वार्टर आपका चेन्नई में मौजूद है। जिन भी बैंकों के आगे चेन्नई शब्द का इस्तेमाल है वो सभी आपके हैं इंडियन मसाला डोसा खाने हम लोग जाएंगे चेन्नई। जिन भी बैंकों के आगे इंडियन शब्द लगा हुआ है वो है इंडियन मसाला डोसा। क्या है, इंडियन लगा हुआ है बैंक के आगे तो इंडियन मसाला डोसा खाने कहाँ जाएंगे, चेन्नई। बैंक ऑफ बड़ौदा तो बड़ौदा से याद रखिएगा वडोदरा। ICICI बैंक का हेडक्वार्टर आपका बनता है मुंबई शहर में, याद रखिएगा। श्री श्री जय काली मतर मंदिर किस देश में आपका मौजूद है, 300 साल पुराना ये काली मंदिर है और इस काली मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए यहाँ पर भारत ने आर्थिक सहायता देने का आश्वासन दिया है। ये जो मंदिर है वो आपका बांग्लादेश में आपका मौजूद है, याद रखिएगा। बांग्लादेश के साथ भारत सबसे लंबी जो जमीनी सीमा है वो आपकी साझा करता है। लॉन्गेस्ट जो बाउंड्री हम शेयर करते हैं वो बांग्लादेश के साथ करते हैं। बांग्लादेश के साथ जो हमारी लॉन्गेस्ट बाउंड्री शेयर होती है वो चाइना से शेयर होती है, ये भी याद रखिएगा। कौन सा नेशनल पार्क भारत के साथ साथ बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है,
तो पश्चिम बंगाल का सुंदरबन नेशनल पार्क, पश्चिम बंगाल का सुंदरबन नेशनल पार्क आपका भारत में सुंदरबन जो नेशनल पार्क है भारत के वेस्ट बंगाल स्टेट में है। ये बांग्लादेश के साथ भी आपका सीमा यहाँ पर साझा करता है। बांग्लादेश में ये भी याद रखना है कि भारत और बांग्लादेश के बीच में जो सीमा पर आवाजाही होती के उसके लिए कौन सा कॉरिडोर है, तो उसके लिए आपका 3 बीघा कॉरिडोर, नाम याद रखिएगा, 3 बीघा कॉरिडोर ये इंपॉर्टेंट आपका यहाँ पर बनता है। पड़ोसी कंट्रीज में से बात करते हैं भूटान की, स्मॉलेस्ट एरिया यानी कि सबसे छोटा जो देश बनता है क्षेत्रफल के अनुसार वो भूटान कंट्री आपका बनेगा। इसके अलावा नेपाल भी हमारा पड़ोसी कंट्री बनता है। नेपाल में पशुपति नाथ मंदिर मौजूद है, काठमांडू सिटी जिसे हम लोग सिटी ऑफ टेम्पल्स के नाम से भी जानते हैं, ये भी याद रखिएगा। मालदीव की बात करते हैं, हिंद महासागर यानी कि इंडियन ओशियन में आपका मौजूद है। इंडियन ओशियन इकलौता ऐसा ओशियन है जिसका नाम किसी देश के नाम पर है, और साथ ही साथ ये भी याद रखिएगा कि मालदीप इंडियन ओशियन में सबसे स्मॉलेस्ट कंट्री भी आपका बनता है। सबसे स्मॉलेस्ट आइलैंड कंट्री जो आपका बनता है इंडियन ओशियन में वो आपका मालदीव बनता है। क्या आप मुझे बता सकते हैं लार्जेस्ट लार्जेस्ट आइलैंड कंट्री इन इंडियन ओशियन, लार्जेस्ट आइलैंड कंट्री इन इंडियन ओशियन? अगर आपको नाम पता है तो फटाफट यहां पर लिखकर बताइए। जो लोग बाद में वीडियो देख रहे हैं वो बाद में मुझे कमेंट बॉक्स में यहां पर लिखकर बता सकते हैं। अगला प्रश्न, किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ने केसर के लिए भौगोलिक संकेत जीआई का मतलब कि जीआई टैग की अगर बात करते हैं, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग की बात करते हैं, उसके पंजीकरण का प्रमाण पत्र हाल ही में यहाँ पर जारी किया है। पहली चीज की जो केसर होता है वो कश्मीरी केसर आपका काफी प्रसिद्ध है, जो कि मैंने कल आपको बताया था कि करेवा की मिट्टी पर कश्मीरी केसर आपका उगाया जाता है। किस मिट्टी पर? करेवा की मिट्टी पर कश्मीरी केसर आपका उगाया जाता है। करेवा की मिट्टी कहाँ पर देखने को मिलती है? जम्मू कश्मीर में आपको देखने को मिलती है, और काफी दिनों पहले जम्मू कश्मीर की 3 अलग अलग केसर की वेराइटीज को, जम्मू कश्मीर की 3 अलग अलग केसर की वेराइटीज को यहाँ पर जीआई टैग यानी कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग आपका देने की बात की है। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि भारत में मैक्सिमम जीआई टैग, भारत में मैक्सिमम जो जीआई टैग है वो किस स्टेट को दिया गया है, तो फटाफट से उस स्टेट का नाम मुझे यहाँ पर लिखकर बता दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने फॉर्मूला 1 ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2020 का जो खिताब है वो आपका जीता है? हु अमंग द फॉलोइंग हैज वॉन द फॉर्मूला 1 ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2020? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, लुइस हैमिल्टन। जो भी आपकी फॉर्मूला रेसिंग आपकी होती है उसके बारे में मैंने आपको ये बताया है कि आपको ड्राइवर का नाम, उसकी कंट्री और साथ ही साथ उस कार कंपनी का नाम भी याद रखना है जिस कार कंपनी को वो फॉर्मूला रेसिंग ट्रैक पर दौड़ाते हैं। तो लुइस हैमिल्टन यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका बनेगा। लुइस हैमिल्टन की बात करते हैं, ये आपके ब्रिटिश रेसिंग ड्राइवर बनते हैं। किस कार कंपनी के लिए? मर्सिडीज के लिए कार आपकी दौड़ाते हैं, तो आपको कार कंपनी का नाम भी यहाँ पर याद रखना है। ये भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है। ड्राइवर के साथ साथ ब्रांड कंपनी या कार कंपनी का ब्रांड भी आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है, और ये आपके एक ब्रिटिश रेसिंग ड्राइवर यहाँ पर बनते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि लुइस हैमिल्टन एक जाने माने F1 फॉर्मूला रेसिंग ड्राइवर हैं, मर्सिडीज कार को यहाँ पर ये दौड़ाते हैं, ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? तो खेल और खिलाड़ी में यही जरूरी हो जाता है कि ये खिलाड़ी किस कंट्री से आपका बिलोंग करता है। इसी तरह से सेबेस्टियन वेटल की बात करते हैं, ये भी एक जाने माने कार रेसिंग ड्राइवर है, ये जर्मन रेसिंग ड्राइवर है, और फरारी कार को ये आपका दौड़ाते हैं, याद रखिएगा। एक और नाम आपको यहाँ पर याद रखना है, निको रॉसबर्ग। निको रॉसबर्ग भी एक जर्मन रेसिंग ड्राइवर है और ये मर्सिडीज कार को दौड़ाते हैं, तो इसको एक जगह नोट कर लीजिएगा। कल मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था कि भारत में भी आपका एक फॉर्मूला 1 रेसिंग ट्रैक मौजूद है जो कि नोएडा शहर में मौजूद है, उसका नाम क्या था? अगर अभी तक याद नहीं था तो मेरे साथ दोहरा लीजिएगा, उसका नाम है बुद्धा रेसिंग ट्रैक या बुद्धा रेसिंग सर्किट, ये नोएडा यूपी में आपका मौजूद है। अगला प्रश्न, कोना कोना उम्मीद अभियान किस बैंक के द्वारा अपने ग्राहकों को शानदार ऑफर और सौदे प्रदान करने के लिए यहाँ पर शुरू किया गया है? कोना कोना उम्मीद कैंपेन हैज बीन लॉन्च बाय विच बैंक टू प्रोवाइड अ ग्रेट ऑफर्स एंड डील्स टू इट्स कस्टमर? यस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक। करेक्ट आंसर बनता है कोटक महिंद्रा बैंक। हेडक्वार्टर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट बनते हैं, यस बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई, कोटक महिंद्रा बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई, आईसीआईसीआई बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई और एचडीएफसी बैंक का हेडक्वार्टर भी आपका मुंबई में बनता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला अरब देश, पहला अरेबियन कंट्री जिसने पहला परमाणु ऊर्जा आधारित बिजली संयंत्र जिसका नाम बनता है बरकाह परमाणु संयंत्र या फिर बरकाह न्यूक्लियर प्लांट, इसको ओपन किया है, इसको लॉन्च किया है, कंट्री का नाम बनता है यूएई। इसको इसलिए भी याद रखना है क्योंकि 2020 में जो आपका आईपीएल होने वाला है, इंडियन प्रीमियर लीग होने वाली है, ये भी आपकी 2020 में आईपीएल यहाँ पर आयोजित होगा। 2009 में पहली बार आईपीएल आपका भारत से बाहर आयोजित हुआ था,
कंट्री का नाम फटाफट से मुझे लिखकर बताएगा कि 2009 में पहली बार आईपीएल को देश से बाहर आयोजित आपका किया गया था, उस समय भारत में चुनाव होने थे, और अब ऐसा दूसरी बार होगा जब आईपीएल हमारे भारत देश से बाहर आयोजित किया जाएगा। फटाफट से कंट्री का नाम बताइए कि जहां पर पहली बार आईपीएल को आयोजित कराया गया था। अगला प्रश्न, भारत में पतंग संग्रहालय कहां पर आपका मौजूद है, कहां पर आपका स्थित है? इजी क्वेश्चन है। आपने इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल का नाम आप सभी ने सुना होगा। इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल जो आपका बनता है वो अहमदाबाद शहर में आपका होता है, तो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल आपका अहमदाबाद गुजरात में आयोजित होता है, और काइट म्यूजियम भी आपका गुजरात अहमदाबाद में ही आपका मौजूद है, ये भी इंपॉर्टेंट आपके लिए बनता है। अहमदाबाद किस नदी के किनारे मौजूद है? फटाफट से यहाँ पर मुझे लिखकर बताएगा कि अहमदाबाद किस नदी के किनारे लोकेटेड है, फटाफट से लिखकर। अगला प्रश्न, बरकतुल्ला खान स्टेडियम भारत के किस राज्य में मौजूद है? करेक्ट आंसर गुजरात में, ये स्टेडियम भी आपका गुजरात में ही मौजूद है, और भारत का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम जिसकी दर्शक क्षमता 1,10,000 है, मोटेरा स्टेडियम या फिर सरदार पटेल स्टेडियम, ये भी आपका गुजरात के अहमदाबाद में आपका मौजूद है। अगला स्टैटिक जीके का प्रश्न है कि नीलगिरी पर्वत रेलवे किस राज्य में आपका लोकेटेड है? नीलगिरी माउंटेन्स की अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व भी इसी राज्य में आपका मौजूद है, और नीलगिरी पर्वत की बात करते हैं वहीं पर आपका जो माउंटेन रेलवे है ये तमिलनाडु में आपका मौजूद है, याद रखिएगा। भारत का सबसे पुराना बांध यानी कि ओल्डेस्ट डैम ऑफ इंडिया, भारत का सबसे पुराना डैम आपका बनता है कल्लनई बांध। क्या बनता है? कल्लनई बांध, ये भारत का सबसे पुराना डैम बनता है जो कि आपका कावेरी नदी पर मौजूद है। कहां पर मौजूद है? कावेरी नदी पर मौजूद है, यह भी आपका तमिलनाडु में मौजूद है, याद रखिएगा। रिवीजन यहां पर होता है कंप्लीट, उम्मीद है रिवीजन सेशन से आपको कुछ ना कुछ मदद जरूर मिलती होगी, क्योंकि मैं जानता हूं कि कम से कम 90% स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि पढ़ने के बाद करंट अफेयर्स का रिवीजन नहीं करते। अगर नहीं करते तो भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्लास में 1 घंटा आप दीजिए, रिवीजन भी कीजिए, नए प्रश्नों को भी पढ़िए, नए करंट अफेयर्स को भी यहां पर जानिए। आज राम मंदिर पूजन 5 अगस्त की तारीख बनेगी, इसीलिए इस क्लास के अंत में हम लोग अयोध्या मसले पर कुछ जरूरी बातों पर चर्चा करेंगे, जो भी आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको भी यहां पर देखेंगे। तो अब आप लोग फ्रेश एमसीक्यू को इसके लिए तैयार हैं तो एक बार यस लिखकर मुझे बताइएगा। यहां तक रिवीजन सेशन कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है, पसंद आया है, तो फटाफट से एक बार लाइक और शेयर कर दीजिएगा। एमसीक्यू के साथ साथ अलग से कुछ और इंफॉर्मेशन देना भी यहाँ पर मैं आपको अलग से देता हूँ कि कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है उस क्वेश्चन से अगर 2 और एमसीक्यू बन सकते हैं तो वो भी मैं आपको एमसीक्यू के साथ साथ बताते हुए चलता हूँ। अगर आपको ये पसंद है तो फटाफट से लाइक कीजिएगा और एक बार वीडियो को यहाँ पर शेयर कर दीजिएगा। पहला प्रश्न और खतरनाक प्रश्न आप सभी के सामने, यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी साहब की बात की जाती हैज इनॉग्रेटेड, इन्होंने उद्घाटन किया है एक अपस्ट्रीम कैरियर वे की ऑफ द महात्मा गांधी ब्रिज इन बिहार रिसेंटली। द ब्रिज वॉज बिल्ट ओवर विच रिवर? हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी साहब के द्वारा भारत के बिहार राज्य में महात्मा गांधी ब्रिज पर एक अपस्ट्रीम कैरिज वे का उद्घाटन किया है वहां पर कार्गो के लिए। आपको यहां पर बताना है कि किस नदी पर यह जो पुल है वो आपका यहां पर बनाया गया है, महानदी, गोदावरी, कावेरी और गंगा। आप सभी लोग जानते हैं कि गंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड से होता है, उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर के गौमुख नाम की जगह से गंगा नदी आपकी भागीरथी के नाम से निकलती है, आगे चल के गंगा नदी अलकनंदा में मर्ज होती है तब इसे गंगा कहा जाता है। गंगा आगे बढ़ती है और हरिद्वार में ये मैदानी भागों में प्रवेश करती है, इलाहाबाद में आकर गंगा नदी के साथ इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना भी आकर मर्ज होती है संगम में, फिर नदी और आगे बढ़ती है, बिहार राज्य के बिल्कुल बीचों बीच से नदी गुजरती है और बिहार की राजधानी पटना भी इसी नदी के किनारे मौजूद है, यानी कि गंगा यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा। गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है फटाफट से यहाँ पर मुझे लिखकर बताइएगा। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी बनती है, इसकी टोटल लेंथ क्या है फटाफट से लिखकर, जो लोग बाद में वीडियो देख रहे हैं वो लोग कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करें। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं साउथ इंडिया की यानी कि दक्षिण भारत की, तो वहां पर दक्षिण भारत की गंगा गोदावरी नदी को कहा जाता है, ऑप्शन में यहां पर है गोदावरी नदी, और गोदावरी को दक्षिण भारत की गंगा, बूढ़ी गंगा, और साउथ इंडिया की जो आपकी लॉन्गेस्ट रिवर बनती है, सबसे लंबी नदी बनती दक्षिण भारत की, वो आपकी गोदावरी यहां पर बनती है। महानदी की बात करते हैं तो भारत का सबसे लंबा जो डैम बनता है लॉन्गेस्ट डैम ऑफ इंडिया जो कि आपका मेन डैम है जिसका नाम बनता है हीराकुंड डैम, लगभग 5 किलोमीटर लंबा यह आपका डैम है, ये भी महानदी पर है, जबकि टोटल डैम की जो लेंथ बनती है लगभग 20
76 किलोमीटर आपकी यहाँ पर बनती है। कावेरी नदी के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको यहाँ पर ये बताया कि द ओल्डेस्ट डैम ऑफ इंडिया, भारत का सबसे पुराना बांध द कल्लनई डैम इसी नदी के किनारे, इसी नदी पर आपका मौजूद है तमिलनाडु स्टेट में, ये भी यहाँ पर याद रखेंगे। अगला प्रश्न, नेम द मिनिस्ट्री विच लॉन्च द प्रोग्राम अंडर द ग्रामोद्योग विकास योजना। कौन सी योजना? ग्रामोद्योग विकास योजना के तहत या ग्रामोद्योग विकास योजना को किस मिनिस्ट्री ने इस योजना को यहाँ पर लॉन्च किया है? टू बेनिफिट, इसका जो लाभ होगा वो उन शिल्पकारों को मिलेगा, उन कारीगरों को मिलेगा जो कि अगरबत्ती के मैन्युफैक्चरिंग में आपके लगे हुए हैं। अगरबत्ती निर्माण करने वाले कारीगरों को लाभान्वित करने के लिए ग्रामोद्योग विकास योजना के तहत कार्यक्रम शुरू करने वाले मंत्रालय का नाम, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, मिनिस्ट्री ऑफ HRD। अब इस नाम का कोई मंत्रालय नहीं है क्योंकि HRD मिनिस्ट्री को शिक्षा मंत्रालय का नाम आपका दे दिया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, या फिर ऑप्शन नंबर 4 मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 ही बनता है, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। आपसे एक और प्रश्न फटाफट से बताएगा, इस मंत्रालय के मिनिस्टर कौन बनते हैं, फटाफट से मुझे यहाँ पर लिखकर बताइएगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च एक मास्क अनेक जिंदगी, एक मास्क यानी कि वन मास्क मैनी लाइफ पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन रिसेंटली। किस राज्य सरकार ने हाल ही में एक मास्क अनेक जिंदगी यानी कि वन मास्क मैनी लाइफ जन जागरूकता अभियान यहां पर चलाया? मध्य प्रदेश, मेघालय, मिजोरम और तेलंगाना। काफी कंफ्यूजन भरे क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश, मेघालय, मिजोरम और तेलंगाना। करेक्ट आंसर यहाँ पर बनता है MP। MP के बारे में याद रखिएगा, इसे हार्ट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। यहाँ के चीफ मिनिस्टर का नाम शिवराज सिंह चौहान, यहाँ के गवर्नर का नाम आनंदीबेन पटेल, जो कि इस राज्य के साथ साथ यूपी की भी आपकी गवर्नर बनती हैं। टाइगर स्टेट के नाम से भी एमपी को जाना जाता है, मध्य प्रदेश को जाना जाता है। सबसे ज्यादा टाइगर्स अगर मैं बात करता हूँ 2018 की टाइगर गणना के अनुसार, जो कि हर 4 साल में होती है, अगली टाइगर जनगणना 2022 में आपकी होगी, तो 2018 जो आपकी लेटेस्ट टाइगर जनगणना हुई उसके अनुसार मध्य प्रदेश में 526 टाइगर्स आपके यहाँ पर मौजूद हैं, याद रखेंगे। मध्य प्रदेश की बात करते हैं, घड़ियाल स्टेट के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि चंबल नदी आपकी यहीं पर बहती है जिसमें सबसे ज्यादा घड़ियाल आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इसके अलावा पन्ना, पैंच, सतपुड़ा, बांधवगढ़, ठीक है, वन विहार, इसके अलावा कान्हा, मांधव, इसके अलावा जो आपके पैंच टाइगर रिजर्व बनते हैं वो आपके मध्य प्रदेश में ही मौजूद है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। मध्य प्रदेश सोयाबीन प्रोडक्शन में इंडिया में नंबर 1 पोजीशन पर है, इसीलिए से सोयाबीन स्टेट के नाम से भी आपका जाना जाता है। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको मध्य प्रदेश के बारे में याद रखने। मध्य प्रदेश इज द सेकेंड लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया अकॉर्डिंग टू द एरिया, यानी कि क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य मध्य प्रदेश बनता है। नंबर 1 पोजीशन पर आपका राजस्थान है और 3rd पोजीशन पर कौन सा स्टेट है, फटाफट से यहाँ पर मुझे लिखकर बताइएगा। तो ये सारी की सारी जानकारी आपको मध्य प्रदेश के बारे में यहाँ पर याद रखनी है, आपके लिए बहुत ही ज्यादा ये महत्वपूर्ण यहाँ पर बनती हैं। तो मेघालय को इसलिए याद रखिएगा क्योंकि मेघालय में सबसे ज्यादा आपकी बारिश होती है, जिसके लिए 3 पहाड़ियां आपकी जिम्मेदार हैं, गारो खासो और जयंतिया पहाड़ियां, इनको आप लोग यहां पर याद रखेंगे। आगे बात करते हैं, मध्य प्रदेश की अगर मैं यहां पर बात करता हूं तो अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग जो मिनिस्टर है एमपी स्टेट के, जिनका नाम बनता है श्री भूपेंद्र सिंह, उन्होंने लॉन्च किया, याद रखिएगा ये अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग मिनिस्टर एमपी स्टेट गवर्नमेंट के हैं, ना कि सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के, ओके। श्री भूपेंद्र सिंह, उन्होंने लॉन्च किया है एक पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन, नाम बनता है एक मास्क अनेक जिंदगी, फ्रॉम द अक्टूबर 1 to 15, यानी कि 1 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक टोटल ये आपका लगभग 2 वीक्स या 15 दिनों तक चलने वाली ये आपकी कैंपेन आपके लिए बनेगी। एक मास्क अनेक जिंदगी मीन्स वन मास्क, एक मास्क अगर आप लगाकर पब्लिक में निकलते हैं, सड़कों पर निकलते हैं, तो उससे आप कई जिंदगियों को बचा सकते हैं क्योंकि कोरोना को फैलने से आप रोक सकते हैं। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट कि मास्क डे का आयोजन, मास्क दिवस का आयोजन 18 जून को, तारीख क्या बनती है 18 जून, 18 जून को किस भारतीय राज्य ने मास्क दिवस का भी आयोजन किया था, मास्क की इंपॉर्टेंस को, तो फटाफट उस राज्य का नाम फटाफट से मुझे लिखकर यहां पर बता दीजिएगा, किस राज्य ने 18 जून को मास्क डे भी अपने राज्य में यहां पर ऑर्गेनाइज किया था, ये इंपॉर्टेंट यहां पर बनेगा, ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं, Who is recently appointed as the new CEO of HDFC Bank? हाल ही में किसे HDFC Bank के नए CEO के रूप में आपका यहाँ पर नियुक्त किया गया है, फटाफट से, आदित्य पुरी, राकेश मखीजा, शशिधर जगदीशन, या फिर अमिताभ चौधरी, फटाफट बताइए करेक्ट आंसर क्या बनेगा।
एचडीएफसी बैंक के सीईओ के रूप में किसे हाल ही में यहाँ पर नियुक्त किया गया है, ये प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा गया है। फटाफट से आंसर दीजिएगा। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या है, ये तस्वीर उन्हीं की है जिनको हाल ही में सीईओ नियुक्त किया गया है एचडीएफसी बैंक का। जब तक आप लोग आंसर दे रहे हैं तब तक मैं आपको एचडीएफसी बैंक का फुल फॉर्म बता देता हूँ, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। हेडक्वार्टर कहां पर बनता है, मुंबई इसका हेडक्वार्टर बनता है। एचडीएफसी बैंक की बात करते हैं, ये आपका लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक आपका बनता है, यानी कि प्राइवेट सेक्टर का सबसे बड़ा बैंक आपका एचडीएफसी बैंक बनेगा, याद रखिएगा। हाल ही में शशिधर जगदीशन को इसका सीईओ यहां पर नियुक्त किया गया है, और उन्होंने किसका स्थान लिया है, उन्होंने आदित्य पुरी साहब का यहां पर स्थान लिया है, ये भी आप लोग यहां पर याद रखिएगा। अमिताभ चौधरी जी की बात करते हैं तो ये पार्ट टाइम आपके जो चेयरपर्सन बनते हैं वो एक्सिस बैंक के बनते हैं, जबकि एक्सिस बैंक के सीईओ बनते हैं आपके राकेश मखीजा, ये भी याद रखिएगा। एक्सिस बैंक भारत का तीसरा यानी कि थर्ड लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक बनता है, इसका हेडक्वार्टर भी आपका मुंबई में मौजूद है। एक्सिस बैंक को पहले यूटीआई बैंक के नाम से आपका जाना जाता था, किस नाम से, इससे पहले यूटीआई बैंक के नाम से भी जाना जाता था, और 2007 में एक्सिस बैंक का नाम बदलकर यूटीआई बैंक आपका हुआ है। ये क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम में इसी साल जो आपका कोरोना से पहले सीजीएल का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था, और मैं अपनी करंट अफेयर्स की क्लास में आपको लगातार बताता भी रहा। अगला प्रश्न, किस राज्य ने हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थापित करने का यहाँ पर निर्णय लिया है, Which state has decided to set up a snow leopard conservation center? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश ऑप्शन में नहीं है, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम। हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र यानी कि स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर। स्नो लेपर्ड की बात करते हैं, तेंदुआ तो आप सभी लोग जानते हैं, ये तेंदुए की जो प्रजाति होती है, ये तेंदुए की प्रजाति आपको मोस्टली पहाड़ी क्षेत्रों में देखने को मिलती है, जहां पर स्नो यानी कि जो बर्फ का एरिया होता है वहां पर आपको मोस्टली ये प्रजाति आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा याद ये भी रखना है कि भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य का स्टेट एनिमल भी आपका स्नो लेपर्ड बनता है, जबकि अफगानिस्तान जो आपका कंट्री बनता है वहां का नेशनल एनिमल बनता है स्नो लेपर्ड। अफगानिस्तान के अलावा अगर मैं बात करता हूँ नेपाल कंट्री की, तो नेपाल कंट्री का स्टेट एनिमल काऊ बनती है। इसके अलावा बात करते हैं बांग्लादेश की, तो स्टेट एनिमल यहाँ का नेशनल एनिमल आपका बनता है रॉयल बंगाल टाइगर। नेपाल का नेशनल एनिमल बनता है काऊ। इसके अलावा श्रीलंका का नेशनल एनिमल जो बनता है वो लायन बनता है, ये भी आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। करेक्ट आंसर पर बनता है उत्तराखंड स्टेट, याद रखिएगा। उत्तराखंड स्टेट का जो स्टेट एनिमल बनता है वो मस्क डियर बनता है, यानी कि कस्तूरी मृग, जिसे हम लोग कस्तूरी मृग बोलते हैं, मस्क डियर, ये उत्तराखंड का स्टेट एनिमल बनता है। लेकिन यहाँ पर स्नो लेपर्ड के लिए कंजर्वेशन सेंटर आपके स्थापित करने की बात की गई है। इसके अलावा ये भी याद रखिएगा कि भारत का जो लार्जेस्ट नेशनल पार्क आपका बनता है, लार्जेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया, वो आपका बनता है हेमिस नेशनल पार्क। क्या बनता है? हेमिस नेशनल पार्क भारत का लार्जेस्ट नेशनल पार्क बनता है, ये आप लोग याद रखिएगा। और हेमिस नेशनल पार्क में अधिकतम संख्या आप किसकी देख सकते हैं, स्नो लेपर्ड अधिकतम संख्या में हेमिस नेशनल पार्क में पाया जाता है, ये भारत की लद्दाख यूनियन टेरिटरी में आपका मौजूद है, ये भी आप लोग यहाँ पर फटाफट से रट लीजिएगा। लार्जेस्ट नेशनल पार्क की बात की है तो फर्स्ट नेशनल पार्क की बात भी कर लेते हैं। का फर्स्ट नेशनल पार्क जो आपका बनता है वो बनता है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसे हम लोग हेली नेशनल पार्क के नाम से पहले जाना जाता था इसको। ये 1936 में आपका स्थापित हुआ था और यहीं पर सबसे पहले प्रोजेक्ट टाइगर आपका चलाया गया था, ये भी आप लोग रट लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट एमसीक्यू, व्हिच नेशन हैज वॉन टू पुट टिकटॉक आउट ऑफ द बिजनेस इफ इट इज नॉट सोल्ड बाय सितंबर 15? किस देश ने 15 सितंबर तक किस देश ने 15 सितंबर तक बिकने पर टिकटॉक के व्यवसाय को बाहर करने की चेतावनी दी है, कि अगर टिकटॉक 15 सितंबर तक आपका नहीं बेचा जाता तो ये इसे इस कंट्री से आपका निकाल देंगे, इस कंट्री से इनके बिजनेस इनको बाहर कर दिया जाएगा। ऑप्शंस यहां पर रॉन्ग है, ये भारत के राज्यों के नाम है, तो ये आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन ऑफ द डे। आपको उस कंट्री का नाम यहाँ पर लिखकर बताना है। अब ये मैंने सोचा तो नहीं था, लेकिन अब यहाँ पर गलती से यहाँ पर ऑप्शंस आपके रॉन्ग आ गए हैं। तो आज का आपका स्टेट, आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है, आपको ये बताना है कि किस देश ने ये धमकी दी है कि अगर 15 सितंबर तक टिकटॉक अपने बिजनेस को नहीं बेचता तो उसे उस देश से बाहर करने की चेतावनी यहाँ पर दी गई है। कंट्री का नाम आपको यहाँ पर लिखकर बताना है। अगला प्रश्न, भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच किस देश के पूर्व राजा यानी कि पूर्व किंग जो थे आपके, फॉर्मर किंग थे, को देश से बाहर निकल गए हैं, मतलब खुद ही निकल गए हैं देश से बाहर। Which nation's former king has exited the country amid corruption allegations? Spain, Denmark,
फिलीपींस और स्विट्जरलैंड, इन चारों देशों में से किस देश के पूर्व किंग, किस देश के पूर्व राजा ने यहाँ पर अपने देश, मतलब कि आप भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच में या अपने इस देश से यहाँ पर क्या हो गए हैं, या अपने इस देश से यहाँ पर बाहर हो गए हैं, यह आपको यहाँ पर बताना है। उस कंट्री का नाम आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है भाई, किस देश से आपके बाहर निकल गए हैं उस कंट्री का नाम बताना है। स्पेन, डेनमार्क, फिलीपींस और स्विट्जरलैंड। स्पेन, स्पेन की अगर मैं बात करता हूँ, स्पेन मैड्रिड। करेंसी क्या बनेगी, करेंसी आप लोग यहाँ पर लिखकर मुझे फटाफट से बता दीजिए कि करेंसी ऑफ स्पेन क्या बनती है, फटाफट से लिखकर। तो यहाँ के राजा यहाँ से निकल लिए हैं, राजा ने कहा भैया अब हम निकल रहे हैं भाई, भ्रष्टाचार के आरोप इन पे काफी ज्यादा लगे हैं, इस वजह से इन्होंने अपना देश छोड़ने का फैसला लिया और देश को इन्होंने छोड़ दिया। चलिए अगला प्रश्न, नेम द पर्सन हु लॉन्च द विद्यार्थी विज्ञान मंथन। क्या, विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020 and 21 जो कैंपेन है उसकी यहाँ पर शुरुआत की गई है। प्रकाश जावड़ेकर साहब जो कि एनवायरमेंट मिनिस्टर बनते हैं, नरेंद्र मोदी साहब या फिर प्रहलाद पटेल की बात करते हैं कल्चरल मिनिस्टर हैं, और हर्षवर्धन साहब जो कि आपके हेल्थ मिनिस्टर यहाँ पर बनते हैं। विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020 and 21 को यहाँ पर हमारे देश के हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन साहब ने यहाँ पर लॉन्च किया है। हर्षवर्धन साहब की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी बनती है वो दिल्ली का चांदनी चौक बनता है, इनका जो संसदीय क्षेत्र बनता है वो बनता है दिल्ली का चांदनी चौक, ये भी याद रखिएगा। हाल ही में दिल्ली सरकार के द्वारा चांदनी चौक की बिल्कुल कायाकल्प उसका कर दिया गया, आपने शायद न्यूज चैनल पर देखा भी होगा, ठीक है। विद्यार्थी विज्ञान मंथन यानी कि यहाँ पर ये कैंपेन है, एक इनिशिएटिव है जो कि विद्यार्थियों को यहाँ पर साइंस से जोड़ने के लिए और रिसर्च से जोड़ने के लिए यहाँ पर लॉन्च किया गया है। किस राज्य सरकार ने ई रक्षा बंधन नाम से साइबर क्राइम जागरूकता कार्यक्रम की यहाँ पर शुरुआत की है, राज्य सरकार का नाम आपको बताना। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च साइबर क्राइम अवेयरनेस प्रोग्राम नेम्ड ई रक्षा बंधन, कर्नाटका गवर्नमेंट, तेलंगाना गवर्नमेंट, आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट और तमिलनाडु गवर्नमेंट। ई रक्षा बंधन, जिस तरह से हम जानते हैं कि रक्षाबंधन में जो बेटा, जो भाई होता है वो बहन की रक्षा करने की यहाँ पर शपथ लेता है, कुछ उसी तरह से साइबर क्राइम से दूर रहने और साइबर क्राइम से बचने के लिए जागरूकता फैलाने के लिए, अवेयरनेस फैलाने के लिए ई रक्षाबंधन नाम का जो अवेयरनेस प्रोग्राम है वो आपका किस स्टेट गवर्नमेंट ने शुरू किया है, वो आंध्र प्रदेश की स्टेट गवर्नमेंट ने शुरू किया है, जिसने अभी हाल ही में अपनी 3 राजधानियों के लिए जो बिल है वो आपके पास किए हैं। चीफ मिनिस्टर का नाम YS जगनमोहन रेड्डी आपका बनता है, ये तो मैंने आपको अभी बताया ही, इसके बारे में थोड़ी सी और जागरूकता। चीफ मिनिस्टर जो बनते हैं आंध्र प्रदेश के नाम बनता है YS जगनमोहन रेड्डी, उन्होंने ही आपका लॉन्च किया है 1 महीने तक चलने वाला वर्चुअल साइबर क्राइम अवेयरनेस प्रोग्राम। जिस तरह से लॉकडाउन हुआ है, जिस तरह से हम लोग घर बैठकर हर काम को करने पर मजबूर हुए हैं, तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर ऑनलाइन अवेयरनेस होना जरूरी है। ऑनलाइन अगर आप साइबर क्राइम का कहीं शिकार ना हो जाए, इन सारी चीजों के लिए अगर सिटी पूछी जाएगी तो याद रखिएगा ई रक्षा बंधन जो आपका साइबर अवेयरनेस प्रोग्राम है ये अमरावती से आपका शुरू किया गया है, याद रखिएगा। द एम ऑफ द प्रोग्राम इज टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग द विमेन, यूथ एंड चिल्ड्रेन ऑन द साइबर क्राइम अक्रॉस द स्टेट। यानी कि इस साइबर क्राइम अवेयरनेस प्रोग्राम का जो मेन मोटिव है वो ये बनता है कि महिलाओं, युवाओं और बच्चे को साइबर क्राइम से संबंधित अवेयरनेस, जागरूकता कि कहीं आप किसी फर्जीवाड़े का शिकार ना हो जाए। मेरी बात समझ में आ रही है, इसकी टैगलाइन भी यहाँ पर यहीं पर ये बनती है, लेट्स मेक द अगस्त अ मंथ ऑफ फ्रीडम एंड ई सेफ्टी। यानी कि अगस्त का महीना 15 अगस्त को आपका क्या होता है, इंडिपेंडेंस डे होता है, ये तो आप सभी लोग जानते ही हैं। तो फ्रीडम और सेफ्टी के लिए जो अगस्त का पूरा महीना उसे डेडिकेट करने की बात यहां पर की गई है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां तक तो सारे प्रश्न हम लोगों ने डिस्कस किए हैं, उम्मीद है यहां तक की क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर यहां तक के सारे एमसीक्यू और क्लास पसंद आई तो फटाफट यहां पर लाइक कीजिए और फटाफट से यहां पर शेयर कर दीजिए वीडियो को, ताकि लोग यहां पर बाबरी मस्जिद और इससे संबंधित जो राम मंदिर का जो मुद्दा है उसको भी यहां पर समझ सकें, उसको भी यहां पर डीपली यहां पर समझ सकें। देखिए मुद्दा तो पूरा कंप्लीट हो ही चुका है, ये तो आप लोग जानते ही हैं, और अब 5 तारीख यानी कि आज इसका भूमि पूजन भी होगा और राम मंदिर का यहाँ पर निर्माण आकार आपका जो है वो आपका यहाँ पर शुरू हो जाएगा, ये बात तो सबको पता ही है। तो इसके बारे में थोड़ा सा एक अवेयरनेस के लिए यहाँ पर मैंने कुछ चीजें आपको यहाँ पर रखी हैं, इसके बारे में आपसे यहाँ पर डिस्कशन करूंगा। पहले हम लोग एक काम करते हैं, ये डिस्कशन करते हैं फिर इस पर आते हैं। अयोध्या विवाद पर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जिनका नाम बनता है रंजन गोगोई साहब उस समय भारत के 46वें यानी कि 46
यानी कि 46वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हुआ करते थे, वर्तमान में आपके 47वें चीफ जस्टिस से नाम बनता है शरद अरविंद बोबड़े। तो रंजन गोगोई साहब की अध्यक्षता वाली पीठ ने सर्वसम्मति से, 5 टोटल जज थे इनकी पीठ में, सर्वसम्मति से फैसला लेते हुए केंद्र सरकार को 3 महीने के भीतर मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट स्थापित करने का यहाँ पर आदेश दिया था, मंदिर निर्माण की योजना बनाने और संपत्ति का प्रबंधन करने का भी आदेश दिया था। क्योंकि अगर मैं बात करता हूँ कुछ ही टाइम पहले यहाँ पर राम मंदिर, कोई मुझे उस डेट का नाम यहाँ पर बता सकता है जिस तारीख को ये फैसला आपका आया तो ये बेटर रहेगा, फटाफट से मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, जिसके तहत ये पूरा जो मसला था या जो पूरा जो भूमि का अधिकार के लिए, जो मालिकाना अधिकार के लिए जो पूरी लड़ाई लड़ी जा रही थी ये यहाँ पर, चलिए आगे बात करते हैं। तो ये यहाँ पर सौंप दी गई, टोटल फैसला जो आया है आपका वो 1045 पेजों का फैसला था जो कि राम मंदिर के ऊपर आपका रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने आपका यहाँ पर दिया था। अयोध्या विवाद की बात करते हैं तो ये एक प्रमुख राजनीतिक यानी कि पॉलिटिकल ऐतिहासिक इसीलिए क्योंकि काफी लंबे समय से ये मामला आपका चला आ रहा था और धार्मिक और सामाजिक मुद्दा था। इस मुद्दे की अगर हम लोग बात करते हैं तो इस मुद्दे का जो सेंटर था, द डिस्प्यूट सेंटर्ड ऑन अ प्लॉट ऑफ अ सिटी ऑफ द अयोध्या इन द उत्तर प्रदेश के अयोध्या शहर का एक जमीन का एक टुकड़ा जिस पर पूरा विवाद था। द डिस्प्यूट वाज ट्रेडिशनली रिलेटेड टू द बर्थ प्लेस ऑफ द हिंदू डायटी रामा एंड द लोकेशन ऑफ द बाबरी मस्जिद एट दिस साइट। बाबरी मस्जिद यहाँ पर स्थापित थी जबकि हिंदू लोगों का मानना था कि यहाँ पर पहले एक भव्य मंदिर हुआ करता था, ये बर्थ प्लेस बनता है भगवान राम का, ये एक मुख्य मुद्दा था। और मुझे नहीं लगता कि इस चीजों से कोई भी आप में से कोई वाकिफ नहीं है, सबके सब आप में से यहाँ पर वाकिफ है। 6 दिसंबर 1992 ये काला दिन था, एक राजनीतिक रैली के दौरान इस भूखंड पर स्थित बाबरी मस्जिद को ध्वस्त कर दिया गया जिसने यहाँ पर सांप्रदायिक दंगों का भी जन्म लिया। बाबर की अगर मैं बात करता हूँ, बाबर भारत में मुगल वंश का संस्थापक था क्योंकि 1526 में पानीपत के पहले युद्ध में बाबर ने लोधी वंश के शासक को यहाँ पर हराते हैं और उसके बाद बाबर ने भारत में मुगल वंश की यहाँ पर नींव रखी। तो बाबर भारत का पहला मुगल सम्राट तो था ही और अंतिम मुगल सम्राट का नाम था बहादुर शाह जफर द्वितीय। मुगल साम्राज्य का स्थापना यहाँ पर की और ऐसा माना जाता है कि बाबर के एक सेनापति जिसका नाम बनता है मीर बाकी ने ही सम्राट के आदेश पर 1528 में बाबरी मस्जिद का निर्माण यहाँ पर करवाया था। कई जगह 1527 भी है, कई जगह 1528 भी है। तो ऐसा माना जाता है कि अयोध्या में जहां पर आपके भगवान राम का अब मंदिर बन रहा है वहां पर पहले कभी मस्जिद से पहले भी वहां पर मंदिर हुआ करता था और उस मंदिर को गिराकर वहां पर मस्जिद का निर्माण किया गया था। इस मंदिर के प्रांगण में एक आपका शिलापट भी आपका मौजूद है जिस पर भी इस बात की जानकारी हमें यहाँ पर मिलती है। आगे बात करते हैं, जब सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना ये निर्णय भगवान राम के, या यूं कहें कि हम ये कहते हैं कि जिन लोगों ने यहाँ पर, जैसे कि एक तरफ सुन्नी वक्फ बोर्ड था और दूसरी तरफ रामलीला ट्रस्ट था जो कि इस पूरे मामले को लड़ रहा था, तो सर्वोच्च न्यायालय ने भी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि ASI यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है आपका, उसकी रिपोर्ट का एक हवाला भी उसमें दिया है। क्योंकि इस फैसले को देने से पहले सुप्रीम कोर्ट ने वहां पर उस मंदिर के नीचे जो भी आपका वहां पर विवादित स्थल था वहां पर खुदाई भी करवाई और रिपोर्ट के अनुसार बाबरी मस्जिद खाली जमीन पर आपकी नहीं बनाई गई थी। मंदिर के निर्माण से पहले वहां पर मंदिर जैसी किसी संरचना के होने के प्रमाण भी मिलते हैं जिसके बारे में ये कहा गया था कि वहां पर कुछ मंदिर जैसी संरचना थी और वो संरचना आपकी इस्लामिक संरचना नहीं थी। यानी कि बाबर ने वहां पर मंदिर को गिराकर या वहां पर जो भी मंदिर था उसको गिराकर मस्जिद का निर्माण कराया गया था। इस तरह की चीजें हमें देखने को अकबर के टाइम पे भी हमें देखने को मिलती है। अकबर ने कुछ डिफरेंट पॉलिसी को फॉलो किया था। अकबर ने जहां जहां पर बड़े बड़े हिंदू मंदिर हुआ करते थे उनके सामने बड़ी बड़ी मस्जिदें यानी कि हिंदू और मुस्लिम धर्म को एक साथ रहने के लिए यहां पर ये कराया था। लेकिन कई मुगल शासक ऐसे भी हुए हैं जो क्रूर हुए हैं जिन्होंने मंदिरों को गिराकर वहां पर मस्जिदों का निर्माण भी कराया। ये सारी चीजें अब फाइनली यहाँ पर 5 किलोमीटर के जो जमीन है वो यहाँ पर किसको भी दी गई है,
ये जमीन यहाँ पर दी गई है सुन्नी वक्फ बोर्ड को मस्जिद बनाने के लिए भी आपकी दी है। आज के अखबारों में भी आपको देखने को मिल जाएगा आज की पूरी डिटेल। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की रिपोर्ट को वैध मानते हुए, उसको लीगल मानते हुए सर्वोच्च न्यायालय अपने निर्णय में कहा कि खुदाई में जो ढांचा पाया गया है वो एक इस्लामिक ढांचा नहीं था, नॉट अ इस्लामिक स्ट्रक्चर। इस आधार पर उन्होंने ये बताया कि यहाँ पर जो मस्जिद है उस वहां पर पहले मंदिर हुआ करता था। अब यहाँ पर ये पूरी टाइमलाइन है, आप यहाँ पर पूरी टाइमलाइन यहाँ पर देख सकते हैं। 1527-1528 जो मस्जिद है उसको बनवाया गया, जो कि फर्स्ट मुगल एम्परर बाबर के एक सेनापति मीर बाकी, तो मीर बाकी का नाम याद रखिएगा। ये भी याद रखिएगा अयोध्या अभी तक एक छोटा शहर हुआ करता था, लेकिन यूपी के फैजाबाद जिले का नाम बदलकर भी अब आपका अयोध्या कर दिया गया, यानी कि अब यूपी में अयोध्या के नाम का एक जिला भी है। 1949 आजादी के 2 साल बाद द साइट वॉज डिक्लेयर डिस्प्यूटेड आफ्टर द हिंदू ग्रुप्स क्लेम दैट द आइडल्स ऑफ लॉर्ड रामा फाउंड इनसाइड द मॉस्क, यानी कि भगवान रामलला के वहां पर जो मूर्तियां हैं वो प्रकट होती हैं, उसके बाद इसे विवादित स्थल करार दे दिया गया। 1984 VHP यानी कि विश्व हिंदू परिषद के जो आपके लीडर्स थे इस मूवमेंट में, उन्होंने जो मूवमेंट थी उसमें उन्होंने साइट पर अपना जो उस साइट पर भगवान राम की मूर्ति के लिए बर्थ प्लेस के लिए यहाँ पर मूवमेंट शुरू भी की। 1992 ये वो काला, ये जो ब्लैक ईयर बनता है ये वो काला अध्याय है। ओवर 1 लाख हिंदू एक्टिविस्ट रेज डाउन द मॉस्क एंड राइट्स ब्रेक आउट अक्रॉस द इंडिया किलिंग 2000 पीपल, यानी कि 1992 में बाबरी मस्जिद को गिरा दिया गया जिसमें करीब करीब 2002 हिंदू सिख दंगे होते हैं। 2002 में ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका यहाँ पर बनता है, 58 हिंदू एक्टिविस्ट रिटर्निंग फ्रॉम द अयोध्या किल्ड इन द गोधरा रेलवे स्टेशन इन गुजरात नियरली 2000 पीपल, फिर से वहां पर आपके दंगे भड़कते हैं। 2009 इंपॉर्टेंट बनता है लिब्रहन आयोग की रिपोर्ट के लिए, लिब्रहन कमीशन आपका बनाया गया ऑन द बाबरी मस्जिद डिनोमिनेशन ब्लेम्स द टॉप बीजेपी लीडर्स इंक्लूडिंग LK आडवाणी, लालकृष्ण आडवाणी एंड अदर एक्टिविस्ट जिन्होंने उनको यहां पर दोषी पाया गया, मामला केस अभी भी चल रहा है। 2011 सुप्रीम कोर्ट सस्पेंड इलाहाबाद हाई कोर्ट रूलिंग टू स्प्लिट द साइट इक्वली बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम, सुप्रीम कोर्ट से पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी इस पर आदेश दिया था जिसमें यहां पर जो जमीन थी, जो विवादित स्थल था, उसको यहां पर हिंदू और मुस्लिम ग्रुप में यहां पर बराबर बराबर बांटने की बात कही गई थी, लेकिन उस मामले को हटाकर सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर खुद यहाँ पर डिसीजन दिया और फैसला अपना सुनाया। तो फाइनली आज फैसला है, इसके लिए 3 महीने का समय दिया गया था कि यहाँ पर ट्रस्ट बनाया जाएगा और यही ट्रस्ट यहाँ पर राम मंदिर निर्माण और उसके प्रबंधन की जिम्मेदारी आपकी संभालेगा। इस पूरे मामले पर आज तो मैंने ज्यादा चीजें आपको डिटेल में नहीं बताई है, कल के क्लास में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण MCQ जो कि राम मंदिर निर्माण से संबंधित और राम मंदिर के जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपके बन सकते हैं उन पर आधारित चीजों को मैं वहां पर कल डिस्कस करूंगा आप सभी के साथ, तो ये इंपॉर्टेंट बनेगा। कल का सेशन जरूर देखिएगा जिसमें हम लोग इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो आज के लिए दोस्तों मेरे साथ में इस क्लास में इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी आप सभी के साथ 7:00 PM। अभी ये क्लासेस आपको प्रीमियर के माध्यम से देखने को मिल रही है क्योंकि अभी हम अपने होम टाउन यानी कि लखनऊ में नहीं है और इंटरनेट के इश्यू की वजह से एक क्लास आपकी लाइव नहीं हो पा रही, लेकिन जैसे ही मैं आपका लखनऊ यहाँ पर पहुंचूंगा मैं आप सभी के साथ लाइव यहाँ पर जुड़ूंगा। तो आज के लिए इस क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, कल फिर मुलाकात होगी 7:00 PM और 4 PM मेरे साथ जुड़ना मत भूलिएगा वाईफाई स्टडी स्टूडियोज यूट्यूब चैनल पर SSC क्लासेस के लिए। थैंक यू एवरीवन यहाँ पर करंट अफेयर्स की क्लास को देखने के लिए, थैंक यू।